देखिए मुहूर्त का समय हो चुका है, आप सब हल्दी की रस्म शुरू कर सकते हैं। जी पंडित जी। अब काव्या कुणाल देखो उधर से बुलाया, वो लोग आए। आप दोनों बैठ जाइए। देखिए जो करना है जल्दी करिए, मुहूर्त का समय जो है ना वो निकला जा रहा है। हाँ, जी पंडित जी ठीक है कोई बात नहीं। अभी आए देखिए यहाँ पे लेडीज जा रही हल्दी लगाने और ये चढ़ी अभी हल्दी की। अरे अरे ये तो अपशगुन हो गया, हमें लगता है अब ये रस्म हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात कर रहे पंडित जी, हल्दी का गिरना तो शुभ होता है। जैसे कुणाल ने बोला कि पंडित जी वैसे भी मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता, मैंने आपको पहले भी बताया कि शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, हल्दी आज ही होगी और अभी होगी। जब आप लोगों को कोई ऐतराज नहीं तो मुझे क्या ऐतराज हो सकता है। चलिए आप लोग रस्म शुरू कीजिए। ठीक है। और ये चलिए आप दोनों बैठ गए। चलिए आप दोनों बैठ जाइए। ओम सर्व मंगल मंगलेश्वरे सर्वात् साधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति न पूषा। मैं चाहती हूँ कि सुहागन होने के नाते मेरे बेटे कुणाल को पहली हल्दी तुम दे। और ये मिलता ये धीरे धीरे गई ऊपर गई, थोड़ी डर रही है, हाथ काट रहे उसके, उसने डोंगा उठाया। मियां बोल लगाओ बोलेंगे आशी जी, ये उठाया और लगा ले। आपके एक्शन फिर एक्शन डोंगा शॉट। वैसे पंडित जी ने बोला होल्ड ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया जी। ओम जी ने बोला नहीं पंडित जी, हल्दी गिरना कोई अशुभ बात नहीं होती है, इसे तो शुभ माना जाता है। जैसे कुणाल बोलना चालू थी, आपको मैंने पहले भी समझाया कि इन बातों में मैं विश्वास नहीं करता, हल्दी की रस्म होगी अभी होगी। पर दीदी रस्म होगी कैसे, एक ही डोंगा बचा है। कोई बात नहीं, एक डोंगे में से लड़का और लड़की दोनों को लगा देते हैं। हाँ, इस लाइन से पहले आपने एक स्टिंग मूवमेंट लिया था आगे बढ़ने कोई बात नहीं, एक ही डोंगे में से लड़का और लड़की दोनों को लगा देंगे। आपको जो करना है थोड़ा एक सेकेंड, अगर आपको ऐतराज नहीं हो मैं उधर पलट के वही बोल वही बोल। पार्वती जी अगर आपको ऐतराज ना हो तो इन दोनों की हल्दी एक साथ कर ले। मुझे कोई ऐतराज नहीं है जी। वैसे पंडित जी ने बोला जल्दी कीजिए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। जी पंडित जी। कुणाल बेटा आओ उस तरफ आ जाओ। उधर गए।